ओके, आज हम सीम्स सीखेंगे। सीम्स के हमने टाइप्स देखे हैं अलग अलग, ठीक है। तो उसे कैसे हम स्टिच करेंगे वो आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रन एंड फेल, जो आपको सैंपल के मेजरमेंट दिए हैं उस अकॉर्डिंग आपको सैंपल्स कट कर लेने हैं। ओके, देन एक एक सैंपल पर अभी हमें सीम्स बनाने हैं। तो सबसे पहले रन एंड फेल, ये सीम सबसे ज़्यादा जेंट्स गारमेंट में यूज़ होता है, जैसे शर्ट, पैंट, जीन्स में, लेडीज जीन्स में ये सीम्स का इस्तेमाल साइड सीम में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो सबसे पहले सैम्पल को बीच में से कट कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से दो पार्ट में हमने इसे कट कर लेना है। अब हमें इसे कुछ इस तरीके से रखकर एक सेंटीमीटर आपको फैब्रिक आगे लेकर के अब एक सेंटीमीटर की दूरी से हमें स्टिच कर लेना है, ठीक है। इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच होने के बाद सैंपल को इस तरीके से आपको ओपन करना है, ठीक है। और हमने ये जो स्टिच की थी इसे ऐसे ओपन करके ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ था इसे इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। फोल्ड करने के बाद और एक फोल्ड करके अब हमें यहाँ से एक स्टिच लगानी है, ठीक है। इस तरीके से इसे फोल्ड करना है ताकि यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से ये फिनिश दिखे। अब मैं इसे कॉर्नर से स्टिच करूँगी। इस तरीके से रन एंड फेल स्टिच रेडी हो जाएंगे, ठीक है। ये स्टिच का इस्तेमाल हम शर्ट में, जीन्स में, जैकेट्स में करते हैं, ठीक है। इस तरीके से रन एंड फेल स्टिच हो गई। अब हमें दूसरी स्टिच करनी है, दैट इज फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम का इस्तेमाल भी हम गारमेंट में साइड सीम पर करते हैं, ठीक है। जहाँ जिस कपड़े के बहुत ज़्यादा धागे निकलते हैं उसके धागे निकल कर वो कपड़ा ख़राब ना हो वहाँ पर इस स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन ये स्टिच करने के लिए हमें फैब्रिक को सेंटर में से कट कर लेना है दो पीसेस में। अब हमें 1/4 इंच की दूरी पर एक स्टिच लगा लेनी है, ठीक है। सीधी एक स्टिच लगा लेती हूँ मैं। इस तरीके से स्टिच होने के बाद अब हमें फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, ओके। अब यहाँ से हमें फिर से स्टिच लगानी है लेकिन एक सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। एक सेंटीमीटर की दूरी पर फिर से एक स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से ये स्टिच रेडी हो जाएंगी, ठीक है। देखो यहाँ से भी ये फिनिश है और यहाँ से भी फिनिश है। ये ऐसा करने के कारण यहाँ से धागे निकलते नहीं हैं और गारमेंट ख़राब नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्रेंच सीम। फ्रेंच सीम के बाद अब करना है टॉप स्टिच। टॉप स्टिच के लिए अगेन मैं फैब्रिक को सेंटर में से कट कर रही हूँ और एक सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा स्टिच कर दूंगी, ठीक है। फैब्रिक को कट कर दिया, अब एक सेंटीमीटर की दूरी पर सीधा स्टिच कर देना है।
ये सीधा स्टिच होने के बाद अब हमें फैब्रिक को पलटना है। अब ध्यान रहे कि जिस साइड में हमारा स्टिचिंग का जो लेफ्ट और फैब्रिक है वो रहेगा, उसी साइड हमें अभी टॉप स्टिच लगानी है। ठीक है, टॉप स्टिच माने एकदम कॉर्नर से आपको स्टिच लगानी है। ये सीम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है नेक लाइन में, कफ में, कॉलर में, जहाँ पर भी हमें लगता है कि जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो बाहर दिखे नहीं, वहाँ पर टॉप स्टिच का इस्तेमाल किया जाता है। देखो एकदम पास से आपको ये स्टिच करना है, जिस तरफ हमारा लेफ्ट और फैब्रिक है उसी तरफ से। ठीक है, इस तरीके से हमारा टॉप स्टिच हो गया है। अब नेक्स्ट है लैप सीम। लैप सीम के लिए आपको फिर से सैंपल को सेंटर में से कट कर लेना है। लैप सीम के करने के कई तरीके हैं, ठीक है, तो उसमें से एक इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। सैंपल को बीच में से कट करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो दूसरा टुकड़ा है उसे इस तरीके से 1 सेंटीमीटर फोल्ड कर लेना है। ठीक है, और इस सैंपल के ऊपर रख करके, अभी जैसे हमने टॉप स्टिच किया था एकदम कॉर्नर से स्टिच किया था, वैसे ही इसे भी कॉर्नर से स्टिच कर लेना है। इसे हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, और ये फैब्रिक फोल्ड करके, ये फोल्डेड फैब्रिक इसके ऊपर रख करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लैप सीम करने के तरीके अलग अलग हैं, हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो आप ये तरीके से भी कर सकते हो। एक सैंपल को इस तरीके से फोल्ड कर दो, दूसरे को भी वैसे ही फोल्ड करके उसके ऊपर रख करके हमें कॉर्नर से स्टिच करना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से स्टिच करने के बाद अब सैंपल को पलटना है और यहाँ से भी एक स्टिच लगा देनी है, तो ये हमारा लैप सीम हो जाएगा। ठीक है, अब लैप सीम के बाद अब लास्ट वाला बचा है पाइप सीम। पाइप सीम के लिए आपको क्या कर लेना है, एक सैंपल लेना है और उसके लिए आपको एक स्ट्रिप कट कर लेनी है। ठीक है, विड्थ में ये 2 इंच का रखना है और लेंथ में जितना आपके सैंपल की लेंथ है उतनी रखनी है। ठीक है, अब क्या करना है, सैंपल को बीच में से कट कर लो। पाइप सीम मतलब पाइपिंग, ठीक है, जो हम नेक लाइन फिनिश करने के लिए या फिर डेकोरेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैंपल को इस तरीके से बीच में से कट कर लेना है। अब हमने जो स्ट्रिप कट की थी फैब्रिक की, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके सैंपल के ऊपर रखना है। ठीक है, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको स्टिच कर लेना है। इस तरीके से स्टिच होने के बाद अब हमें इस फैब्रिक को यहाँ पर पलटना है। ठीक है, टर्न करके, अब ये देख रहे हो आप, ये जो फैब्रिक है और ये फैब्रिक, इन दोनों को मिला के अभी टर्न करके आपको थोड़ा सा फैब्रिक आगे छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में से अभी आपको स्टिच करनी है, तो आपकी ये पाइपिंग बनेगी। ठीक है, इसे करने के लिए आपको काफी पेशेंस से करना होगा और धीरे धीरे। ठीक है,
इस तरीके से पाइपिंग रेडी हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमने फैब्रिक कट किया था उसको इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर तक के ओवरलैप करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ओवरलैप करके फिर से अभी हमें यहाँ से स्टिच कर देनी है। ठीक है, फिर से एक स्टिच लगा लेती हूँ तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये पाइप सीम हमारा रेडी होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से आपको सारे सीम्स के सैंपल रेडी कर लेने हैं। ओके।